आगे आ जाऊं, क्या हो गया आकाश, आकाश इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, खाली खाली बैठ जाओ, अपनी इसका पेपर ले लो, छीन लो यार। देखो सबसे पहली चीज, एड्रेस नोट कर लो, वेबसाइट का यार जिनके पास इंटरनेट है, www.physicsconcepts.in। इसका फायदा और नुकसान दोनों, ठीक अभी बताता हूँ इसके फायदे क्या हैं। हाँ सर प्लीज। फायदा ये है कि नोटिस बोर्ड पे जो टेस्ट के सॉल्यूशन लगते थे, नोटिस बोर्ड पे वो लगेंगे ही लगेंगे, अपने घर में बैठ के आप सॉल्यूशंस को देख सकते हो टेस्ट के, मतलब एक क्वेश्चन पेपर की कॉपी और साथ में उसका जो सॉल्यूशन होगा वो मैं साथ के साथ अपलोड कर दूंगा, सो दैट आप घर में जो भी डाउट होगा आप उसको परीक्षण यहाँ पर सीधा डिपॉजिट कर सकते हो एक, ठीक। तो जितने भी टेस्ट होंगे उसको साथ के साथ उसकी कीज के साथ हम अपलोड करेंगे। दूसरा, इसमें ऑनलाइन टेस्टिंग स्टार्ट होने जा रही है, 15 डेज के बाद स्टार्ट हो जाएगी, अभी लॉगिन दूंगा मैं आपको नेक्स्ट सेशन से। तो अभी उसमें जो टेस्ट होंगे ऑफलाइन भी होंगे नेक्स्ट ईयर, ऐसा नहीं कि ऑफलाइन नहीं होंगे, ऑफलाइन भी होंगे, यहाँ आके भी दे सकते हो और जो ऑनलाइन दे सकते हैं वो ऑनलाइन दे सकते हैं, ठीक। ऑब्जेक्टिव, क्योंकि जो आपका जेई मेन्स का पेपर है वो नॉर्मली 99% तो अब ऑनलाइन ही चलेगा, तो उसकी प्रिपरेशन करनी है, तो ये एक बेनिफिट रहेगा। नेक्स्ट जो है इसमें जो भी जो फाइल्स होंगी, जैसे सपोज करो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की आपको बुकलेट दी हुई है, मान लो लॉज ऑफ मोशन के सिर्फ 100 में से 40 क्वेश्चन डिस्कस हुए, 30 ही हुए थे, क्योंकि बहुत लेंथी काम है, एक 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 क्वेश्चन लगे रहो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो कोई टीचर 100-200 ऑब्जेक्टिव नहीं करवा पाएगा, ये तो 100% है, तो वो अनआंसर्ड रह जाते हैं कई क्वेश्चन, तो उसकी जो फाइल है हम उसको अपलोड कर देंगे। जैसे आप अगर डाउनलोड में जाओगे, जो डाउनलोड्स हैं इसमें आपको मिल जाएगा सारा, फॉर एग्जाम्पल प्लस वन सोल्यूशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स न्यूमेरिकल, जो हमारे न्यूमेरिकल चल रहे थे, तो उसमें जो आपकी असाइनमेंट है जैसे कई लोग लिख नहीं पाते, तो बेसिकली यहाँ से वो अपना आंसर वेरीफाई भी कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं इसमें क्या सोल्यूशन है, ठीक। जैसे आज टेस्ट था जो करवाया उसी में से था, यहाँ से देख पढ़ के आ सकते हो यहाँ से कि इस असाइनमेंट में से मैंने टेस्ट लिया था। मैं बताता रहूँगा जो भी अनाउंसमेंट होगी। अब जो है वैसे मेनली तो ऑनलाइन टेस्टिंग के लिए मैंने स्टार्ट किया और नोटिस बोर्ड के लिए स्टार्ट किया है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। वैसे नेक्स्ट ईयर मैं बता दूं, ऑनलाइन मैं आईडी दे दूंगा, पेरेंट्स को भी दे दूंगा, पेरेंट्स रिपोर्ट कार्ड प्रिंट कर सकते हैं जिनके लोगों को, जिनके पेरेंट्स को इंटरनेट आता है, तो बेसिकली वो आपकी रिपोर्ट कार्ड भी आप देख सकते हो अपनी जितनी भी बनेगी, तो आपको आने की जरूरत नहीं है, मेरे को पेपर भी खर्चने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन रिपोर्ट कार्ड आएगी और ग्रेड्स भी साथ में आएंगे, ठीक। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना, न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, मेन न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, पढ़ो एक बार क्वेश्चन नंबर 2। आप लोगों के स्कूल ऑफ है अभी, सैटरडे को किसी को ऑन है, सैटरडे को नहीं ऑन है, सैटरडे को और बाकी ऑफ है। सैटरडे की क्लास ना मैं रात को नहीं ले पाऊंगा, मुझे दिन में लगानी है, और दिन में जो टाइम होगा उसका कोई 10 o'clock का मैंने प्लस टू दिया होगा, 11:30 किसको किसका टाइम क्लैश कर रहा है कहीं और, 11:30 पे अगर क्लास लगाऊंगा दोनों का, कितने से कितने 1:30 बजे तक, और आपका तो पूरा। अच्छा फ्राइडे को आप दोनों आ सकते हो, आप तो आ सकते हो फ्राइडे को दूसरे बैच में 5:30 फ्राइडे भी क्लास है, और आप तो आ सकते हो फ्राइडे क्लास, और 11 कितने बजे फ्री हो गए, शाम को तो बताए, शाम को फिर तो एनी केस कोई नहीं, फिर मेरे को तो क्लास
शाम वाला बैच जो है वो 11:30 दिन में लगेगा। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर टू है, अ सोर्स टेम्परेचर ऑफ अ कार्नोट साइकिल इज 127 डिग्री सेल्सियस, इट टेक्स 500 कैलोरी ऑफ हीट फ्रॉम अ सोर्स एंड रिजेक्ट्स 400 कैलोरी टू द सिंक ड्यूरिंग ईच साइकिल, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ अ सिंक। सो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है इसमें, सोर्स टेम्परेचर इज गिवन, सोर्स देखो दो टेम्परेचर है, एक सोर्स का एक सिंक का, सोर्स का सिंबल क्या है T1, सिंक का क्या है T2, तो सोर्स का मतलब ये क्या गिवन है T1, तो T1 की वैल्यू 127 प्लस 273, इट टेक्स 500 कैलोरी ऑफ हीट, यानी कि Q1 जो हीट इंजन है वो हीट जो लेता है उसका सिंबल क्या होता है Q1, ना तो क्लियर है, तो Q1 फ्रॉम द सोर्स एंड रिजेक्ट्स, रिजेक्ट्स का मतलब Q2, रिजेक्ट्स Q2 टू द सिंक ड्यूरिंग ईच साइकिल। सो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ अ सिंक, टेम्परेचर ऑफ अ सिंक का मतलब क्या निकालना है T2, क्लियर है यहां तक, तो क्या गिवन है क्या निकालना है इसमें, किसी को कोई डाउट? ठीक, तो इसमें एफिशिएंसी के हमने दो फॉर्मूलाज किए थे, एफिशिएंसी के दो फॉर्मूलाज किए थे, 1 -E2 / T1 एंड 1 -Q2 / Q1, इक्वेट कर लो, एफिशिएंसी एक ही बात है, तो T2 / T1 इज इक्वल टू Q2 / Q1 गिवन है, नहीं T2 निकालने सिंक का टेम्परेचर निकालने, T1 गिवन है, Q2 गिवन है, Q1 गिवन है, फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ T2, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, कोई डाउट किसी को इसमें? तो यहां से सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आ रहा है, 5 केल्विन में, 500 पूरा 500 320 केल्विन। तो देखो यहां से फाइनल आंसर आ रहा है 320 केल्विन या 47 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट किया था, केल्विन में सारे टेम्परेचर बाय डिफॉल्ट केल्विन में ही होंगे, कार्नोट साइकिल के सारे टेम्परेचर केल्विन में लेने आपने। नेक्स्ट है, कार्नोट इंजन हैज अ सेम एफिशिएंसी, एफिशिएंसी की वैल्यू सेम है व्हेन ऑपरेटेड बिटवीन टेम्परेचर्स 100 केल्विन एंड 500 केल्विन एंड पी केल्विन एंड 900 केल्विन, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ सिंक। देखो टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है 100 एंड 500 केल्विन, सो एफिशिएंसी जो छोटा टेम्परेचर है वो T1 है, जो बड़ा टेम्परेचर है वो T1 है सोर्स है, और जो छोटा टेम्परेचर है वो T2 है, तो 1 -T2 / T1 ये पहला केस है, दैट इज 1 -T2 की जगह 100 / 500 इज इक्वल टू, एफिशिएंसी कह रहे हैं सेम है 1 - अब ये T क्या है सोर्स की सिंक है, क्योंकि एंड में क्या कह रहे हैं फाइंड द टेम्परेचर ऑफ सिंक, तो क्या आएगा T / 900, बड़ा टेम्परेचर नीचे आता है छोटा टेम्परेचर ऊपर T2 / T1 लिख दिया मैंने T2 का मतलब सिंक छोटा टेम्परेचर, तो मैंने T सिंक लिखा, नीचे सोर्स लिखा, अब क्वेश्चन
क्वेश्चन ये है कि पता कैसे लगा एंड में क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ ऑब्वियसली सेम क्यों हुआ, ही डिवाइडेड बाय ऑब्वियसली ये सोर्स हो। तो यहाँ तो क्लियर है, कोई डाउट किसी को इसमें? तो दोनों को इक्वेट कर लेना, टी की वैल्यू निकाल लेना, जो भी आएगा बस आंसर। एनी डाउट, समझ आ रहा है यहाँ तक? तो यहाँ से इक्वेट करना और आपके पास सॉल्व करके आंसर आ रहा है कोई 180 कैल, ठीक है? तो यहाँ से सॉल्व करो 180 कैल में आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, अ रिवर्सिबल इंजन। इसका मतलब क्या है? इंटरनल कार्नोट साइकिल, रेफ्रिजरेटर। देखो, कार्नोट साइकिल जो आपने किया था वो एक इंजन का प्रिंसिपल था, मतलब इंजन के अंदर साइकिल यूज कर रहे हैं, एंड दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि आप एक साइकिल को रिवर्स कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हीट इंजन ना लिखे, हीट इंजन की जगह रिवर्सिबल इंजन लिखे, वन एंड दी सेम थिंग, इसलिए कोई फर्क नहीं है, ऐसा कोई नई चीज नहीं है, नया न्यूमेरिकल नहीं है। तो ये एक हीट इंजन है, सो विच ऑपरेट्स विद एफिशिएंसी ऑफ 50% एफिशिएंसी है। इफ ड्यूरिंग ईच साइकिल, एक साइकिल में इट रिजेक्ट्स 150 कैलोरी टू अ रिजर्वॉयर ऑफ हीट एट 30 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट इज द टेंपरेचर ऑफ अ रिजर्वॉयर। तो सबसे पहली चीज, आप ये जो वर्ड रिजर्वॉयर से कंफ्यूज नहीं होना। कई लोग ये सोचते हैं कि रिजर्वॉयर का मतलब जहां पर हीट कलेक्ट होती है, यानी कि सोर्स। नहीं, ये भी नहीं, सिंक भी नहीं, रिजर्वॉयर जहां पर हीट कलेक्ट होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दो रिजर्वॉयर्स हैं, एक एट हाई टेम्परेचर, एक एट लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर वाला सोर्स हो जाएगा, लो वाला सिंक हो जाएगा। तो नॉर्मली कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, रिजर्वॉयर ऑफ हीट है इसका मतलब पक्का ही सोर्स होगा। नहीं, ये जरूरी नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा कि ये सोर्स है या फिर ये सिंक है। तो इसमें एफिशिएंसी गिवन है, रिजेक्ट्स 150 कैलोरी टू अ रिजर्वॉयर, यानी कि रिजेक्ट्स टू, जहां हीट फेंकी जाए इसका मतलब वो सिंक, ठीक है? यहां तक कोई आपने पढ़ना है इसमें? तो जहां हीट फेंकी जाए, कितनी हीट फेंकी जाती है? Q2। तो ये कहां फेंकी जा रही है? सिंक में। तो 30 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर लेना किसमें? केल्विन में। तो ये क्या गिवन है? T2 गिवन है, Q2 गिवन है। आपको इसमें क्या निकालना है? व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ अ रिजर्वॉयर, यानी कि आपको ऑब्वियसली T1 निकालना होगा। इसमें और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि जहां हीट फेंकी जा रही है वो तो आपका सिंक है। तो फिर व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ अ रिजर्वॉयर का मतलब अंडरस्टूड है, ये किसकी बात कर रहा है? उसकी बात कर रहा होगा, सेकंड रिजर्वायर की बात कर रहा होगा, एक रिजर्वायर का टेम्परेचर तो दे ही रहा है। तो लगाएं फॉर्मूला, 1 - T2 / T1, इसको प्लीज केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, इज इक्वल टू एफिशिएंसी, और जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? 50/100। तो सही है, आंसर आ गया, T2 गिवन है। फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ T1। एक आंसर क्लियर है यहां तक। और दूसरा पार्ट है, हाउ मच वर्क डज इट कैरी पर साइकिल। जो वर्क डन होता है हमेशा पर साइकिल का होता है, कितना वर्क डन है, वर्क डन मींस आउटपुट कितनी है, ठीक है ना यहां तक? तो इसमें मैं क्या करूंगा कि एफिशिएंसी तो मेरे पास है, एफिशिएंसी इज वर्क डन डिवाइडेड बाय इनपुट, और इनपुट क्या ली जाती है? Q1। हीट इंजन में हम कितनी हीट लेते हैं वो इनपुट है, और कितनी हीट ली मैंने? Q1। तो मुझे क्या निकालना है? वर्क डन इज एफिशिएंसी इनटू Q1। अब मुझे Q1 तो गिवन नहीं, पर कोई बात नहीं, मैं Q1 निकाल सकता हूँ कैसे? एफिशिएंसी के दो फॉर्मूलाज हैं, 1 - T2 / T1, 1 - Q2 / Q1। क्वेश्चन के अंदर T2 और T1 मुझे मालूम है ए पार्ट से, मुझे क्वेश्चन में Q2 ऑलरेडी गिवन है, कितनी हीट रिजेक्ट की जा रही है, कितने कैलोरीज। फ्रॉम हेयर आई कैन कैलकुलेट Q1, Q1 को पुट कर दूंगा ऊपर, और एफिशिएंसी तो 50% वैसी गिवन है, वर्क डन की वैल्यू। पॉइंट सबको समझ आ रहे हैं? एफिशिएंसी को इक्वेट करके आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q1। तो Q2 क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, Q1 कैन बी कैलकुलेटेड। आंसर कितना आ रहा है? 150 कैलोरीज, कैलोरीज क्यों? क्योंकि आपका
किसमें गिवन है, कैलोरीज में गिवन है, तो सेकंड हीट ऑटोमेटिकली किसमें आएगी, कैलोरीज में ही आएगी। एक हीट कैलोरी में, दूसरी हीट ऑटोमेटिकली कैलोरीज में, और अगर ये कैलोरीज है तो ऑब्वियसली वर्क डन भी कैलोरीज में ही आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेना इनटू 4.2 तो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा जूल्स। नॉर्मली वर्क डन जूल्स में कैलकुलेट किए जाते हैं। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक। सो जब कैलकुलेट करोगे तो वर्क डन की वैल्यू आ रही है कोई 630 जूल या फिर 150। मेथड सबको क्लियर है? मेथड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखो, इंजन कन्वर्ट्स 1/6 ऑफ हीट इनपुट इनटू वर्क व्हेन द टेंपरेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 62 डिग्री सेल्सियस, एफिशिएंसी इज डबल्ड बाय टेंपरेचर ऑफ सोर्स एंड द सिंक। सो रिवर्सिबल इंजन कन्वर्ट्स 1/6 ऑफ हीट इनपुट इनटू वर्क, तो एफिशिएंसी इसका मतलब क्या है, 1/6। क्यों? क्योंकि जो वर्क डन है और जो इनपुट है, इनपुट को क्या बोलती है, क्यू वन, और क्वेश्चन में गिवन है जो वर्क डन है आउटपुट है वो 1/6 टाइम्स क्या है, इनपुट है, इनपुट है। ठीक है ना यहाँ तक? यानी कि अगर ये गिवन है तो यहां से ये चीज 1/6 है और ये चीज होती क्या है, एफिशिएंसी। ठीक हो गया, एफिशिएंसी क्वेश्चन में 1/6 गिवन है। अब एफिशिएंसी जो होती है, अगर इसमें एफिशिएंसी की जो वैल्यू है एफिशिएंसी क्या हो जाती है, डबल। तो 1/6 इंटू टू इज इक्वल टू 1-, इसका टेम्परेचर निकालना है आपको, नहीं किसका टेम्परेचर 62 डिग्री सेल्सियस कम किया, सिंक का। तो ठीक है, तो एक काम करते हैं, सिंक T1 में से 62 माइनस कर देते हैं और निकालना क्या है, इसका टेम्परेचर निकालना है, T2 को क्या लिखूं, T2 कुछ कहा उसने सिंक के बारे में, 62 सिंक में से करना है, ओके आई एम सॉरी, कोई बात नहीं, हम T2 में से माइनस कर देते हैं। सोर्स के बारे में क्या कहा है, कुछ भी नहीं कहा, छोड़ दो, T2 माइनस, तो मुझे आंसर देगा 62 डिग्री सेल्सियस है और मैं टेम्परेचर किस में लेता हूं, केल्विन में, तो माइनस कैसे कर रहा हूं मैं, चेंज चेंज चाहे डिग्री सेल्सियस में करवा लो चाहे
केल्विन में चेंज तो चेंज ही रहेगा, वो सेम रहेगा. तो इसलिए वी कैन सब्ट्रैक्ट 62 फ्रॉम T2. क्लियर है? साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो. देयर आर टू इक्वेशंस. आफ्टर साइमल्टेनियसली सॉल्विंग टू इक्वेशंस यू गेट T1 एंड T2. कितना आ रहा है? T1 की वैल्यू आ रही है कितनी? T2 आ रहा है 310. T2 310 आ रहा है. Efficiency gets doubled भी तो है. If efficiency gets doubled, तो ठीक है फिर आंसर 100 कितना आ रहा है? 3. ठीक है 310 केल्विन आ गया. सेकंड केस में एफिशिएंसी को डबल करना है. इंजन टेक्स इन मींस Q1 की Q2 Q1. ठीक है आंसर आ गया. करो सॉल्व करो. देखो क्वेश्चन है कि सपोज कार्नोट इंजन टेक्स इन मींस Q1 किलो कैलोरी है. 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर लेना कैलोरी में आंसर आ जाएगा. Q1 क्लियर है? ये समझ आ रहा है कि टेक्स इन सोर्स से Q1 लेते हैं, रिजेक्ट Q2 करते हैं. फ्रॉम अ रिजर्वायर किससे हीट लेते हैं? सोर्स का टेम्परेचर क्या होता है? T1. तो प्लीज T1 कैलकुलेट कर लेना. 627 प्लस 273 एंड एग्जॉस्ट हीट टू अ सिंक, हीट को फेंक दिया गया. T2 इज 27 प्लस 273. व्हाट इज द एफिशिएंसी एंड द आउटपुट? तो एफिशिएंसी तो हो जाएगा 1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय T1. वी नो T2, वी नो T1, वी कैन कैलकुलेट eta. फर्स्ट पार्ट इज क्लियर. नेक्स्ट है वी हैव टू कैलकुलेट द आउटपुट. आउटपुट मीन्स वर्क डन. एफिशिएंसी क्या होती है? वर्क डन अपॉन इनपुट. एफिशिएंसी इज वर्क डन अपॉन इनपुट. तो फ्रॉम हियर आई कैन कैलकुलेट वर्क डन इज एफिशिएंसी इनटू Q1. लुक बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग व्हाट आई गेट. वर्क डन इज एफिशिएंसी इनटू Q1
एंड एफिशिएंसी कैलकुलेट की हुई है फर्स्ट पार्ट से, इनटू क्या कर देना है क्यू वन जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है किलो कैलोरीज में, पुट कर देना आंसर. क्लियर है यहां तक? तो वर्क डन भी आ गया और एफिशिएंसी भी आ गई दोनों पार्ट से, कोई डाउट इसमें? और लास्ट पार्ट है कि कब एफिशिएंसी 100% होगी, कब होगी? तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 - T2/T1, एफिशिएंसी 100% तभी हो सकती है जब इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो. मींस सिंक इज एट टेम्परेचर जीरो, तो एफिशिएंसी कैन बी 100%. सो नेक्स्ट है, works between ice point 0 degree Celsius and steam point 100 degree Celsius. So obviously जो छोटा temperature है 0 यानी कि 273 Kelvin, ये क्या हो जाएगा T2, and जो बड़ा temperature है T1 100 plus 273 Kelvin. So it is desired to increase the efficiency by 20%. 20% efficiency मुझे ज्यादा चाहिए. पहले है कितनी वो कैलकुलेट कर लें, पहले कितनी है 1 - T2/T1, हमें T2 पता है, हमें T1 पता है, यहां से वी कैन कैलकुलेट दी एफिशिएंसी. यहां तक पॉइंट क्लियर है? तो यहां से एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा लो, क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले T1 पता है, T2 पता है, एफिशिएंसी आ गई. ठीक है यहां तक? तो एफिशिएंसी की जो वैल्यू आ गई वो 1 - T2/T1 आ गई. अब पढ़ते हैं क्वेश्चन की, इट इज डिजायर्ड मुझे क्या करनी है, मुझे एफिशिएंसी को 20% इंक्रीज करना है, 20% मुझे बढ़ाना है. तो उस केस में बाय मेकिंग टेम्परेचर ऑफ अ सोर्स कांस्टेंट, पहले ए पार्ट करते हैं और मत पढ़ो आगे. तो सबसे पहले अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं, एफिशिएंसी की वैल्यू आ रही है 0.322. अगर आप एफिशिएंसी कैलकुलेट करो ऊपर से 1 - T2/T1, तो आपके पास आंसर है 0.322 आंसर आ रहा है. पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. इतनी एफिशिएंसी तो पहले थी, मुझे एफिशिएंसी को 20% और बढ़ाने पे काम करते हैं. इस पार्ट में एफिशिएंसी को 20% बढ़ाने का मतलब ये लो, ये कर दिया मैंने, यानी कि 120/100 × ईटा. ठीक है यहां तक? तो यानी कि अब जो नई एफिशिएंसी है इट शुड बी इक्वल टू 120/100 × ईटा की वैल्यू कितनी थी 0.322. नई एफिशिएंसी होनी चाहिए, पर कैसे हो ऐसे, इतनी एफिशिएंसी कैसे आए? ए पार्ट है बाय मेकिंग टेम्परेचर ऑफ अ सोर्स कांस्टेंट. तो सोर्स मींस T1, आपने T1 को चेंज नहीं करना, हाँ T2 को चेंज कर सकते हो, तो यानी कि एफिशिएंसी को आपको इंक्रीज करना है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ T2 सिंक. ए पार्ट में कहा सोर्स को टच नहीं करना, नहीं करते, सिंक को तो कर सकते हैं. तो इसीलिए जो बी पार्ट में एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई 0.322 इनटू कितना, ठीक है नई एफिशिएंसी है तो 0.322 इनटू हेलो इज इक्वल टू 1 - T2 को चेंज कर सकते हैं, T1 को नहीं कर सकते. T1 कितने है? 373. स्टीम का टेम्परेचर 373 है, यहां तक क्लियर है? तो आपने T1 की वैल्यू चेंज कर दी और इसको आपने आपने चेंज नहीं किया, इसको चेंज कर सकते हो, तो T2 - कैन बी कैलकुलेटेड आंसर. पॉइंट क्लियर है?
समझ आ रहा है सबको यहाँ तक? तो फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी टू. इसी का बी पार्ट है, इसी का बी पार्ट है क्या कि मुझे एफिशिएंसी फिर से इतनी ही करनी है, 20% इंक्रीज कर देनी है. कैसे करनी है? बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सिंक. अब कह रहे हैं कि सोर्स को टच नहीं करना, सोर्स को 273 था, 273 ही रहने दो, लेकिन अब T1 क्या करना है, डैश. तो T1 डैश निकाल लेना. पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, यहां से सॉल्व कर लेना. से आंसर निकाल लेना. एक आंसर आएगा कोई 252.9 और दूसरा आंसर आएगा 402.65. चेंज निकालना है तो माइनस कर देना. सपोज दिस इज द न्यू टेम्परेचर ऑफ सिंक, तो चेंज कितने हैं? पुराने टेम्परेचर में से माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा. चेंज निकालना है चेंज निकाल लेना, एक्चुअल निकालना है एक्चुअल निकाल लेना. मेथड क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर. ये क्वेश्चन करो. वर्क्स बिटवीन 200 डिग्री सेल्सियस एंड जीरो. बड़ा कौन है? 200. T1 सोर्स है और छोटा कौन है? जीरो. तो वो कौन होगा? सिंक. T2 सोर्स हो गया और -200 सिंक हो.
तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, कार्नोट इंजन वर्क्स बिटवीन 200 एंड 0, इसका मतलब ये T1 है, T1 को 200 प्लस 273 और T2 को 0 प्लस 273। अनदर कार्नोट इंजन एक और है वर्क्स बिटवीन 0 बड़े, तो अब दूसरे केस में ये T1 डैश हो जाएगा 0 प्लस 273 और ये क्या हो जाएगा T2 डैश हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 200 प्लस 273। दो इंजन के सोर्स ऑफ सिंक के टेम्परेचर आ गए, एफिशिएंसी निकल जाएगी 1 माइनस T2 बाय T1 फर्स्ट की, 1 माइनस T2 डैश बाय T1 डैश सेकेंड की। कोई डाउट इसमें? ठीक है ना, एफिशिएंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको निकालना है इन बोथ दी केसेस वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब्स 4 किलो कैलोरी, एब्जॉर्ब्स मींस Q1 लिया फ्रॉम द सोर्स, कैलकुलेट मैकेनिकल वर्क डन इन ईच केस। तो ऑब्वियसली आप पहले केस में एफिशिएंसी निकाल लेना 1 माइनस T2 बाय T1 से, एक आंसर आ गया आपके पास। आपने क्या करना है, फर्स्ट केस में एफिशिएंसी इज वर्क डन अपॉन Q1 इनपुट, वर्क डन आउटपुट अपॉन इनपुट, और इनपुट हम क्या लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो वर्क डन अपॉन कितने किलो कैलोरी है 4 × 10³, तो वर्क डन इज एफिशिएंसी इनटू 4 × 10³। यूनिट्स क्या आएंगे, कैलोरीज, क्योंकि हीट किस में चल रही है, कैलोरीज में चल रही है। उसी तरीके से यू कैन कैलकुलेट सेकेंड एफिशिएंसी 1 माइनस T2 डैश, 1 माइनस T2 डैश अपॉन T1 डैश। फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट ईटा डैश एंड ईटा डैश इज वर्क डन जो कि इस केस में डिफरेंट होगा अपॉन इनपुट, इस केस में एग्जैक्टली क्या है ये तो आप निकाल ही लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर। ठीक है ना, यहां तक फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट वर्क डन इन टू केसेस और दोनों केस में वर्क डन डिफरेंट है क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी भी डिफरेंट, कभी तो कार्स की एफिशिएंसी डिफरेंट होती है तो वर्क डन भी तो कभी कार्स का डिफरेंट है। नेक्स्ट है, इसको प्लीज आंसर निकाल लेना। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर ए वर्क्स बिटवीन -10 and 27 व्हाइल बी वर्क्स बिटवीन -27 and 17, बोथ रिमूविंग, रेफ्रिजरेटर हीट को रिमूव करता है और कितनी हीट रिमूव करता है देखते हैं। सो बोथ रिमूविंग इक्वल कितनी हीट रिमूव कर रहा है 2000 जूल फ्रॉम अ फ्रीजर, विच ऑफ द टू इज द बेटर रेफ्रिजरेटर, जिसका क्या बड़ा होगा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला क्या था, टी टू अपॉन टी वन माइनस टी टू, जब लास्ट टाइम किया था कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यही था। तो इसमें आपको ए रेफ्रिजरेटर वर्क्स बिटवीन -10 and 27, बड़ा टेम्परेचर हमेशा टी वन 27 + 273 कर लेना, और छोटा टेम्परेचर हमेशा टी टू -10 + 273। टी टू पता है, टी वन पता है, ऐसी रेफ्रिजरेटर बी का भी क्या पता है, टी टू पता है और टी वन पता है। ठीक है आदत, और ऐसी मींस T1 की जगह T1 पुट कर देना, T2 की जगह यहां से T2 पुट कर देना, यहां से बीटा कैन बी कैलकुलेटेड। उसी तरीके से बीटा डैश T2 डैश T1 डैश T2 डैश। सेकंड रेफ्रिजरेटर के केस में ये बड़ा टेम्परेचर है तो ये क्या हो जाएगा T1 डैश और ये क्या हो जाएगा T2 डैश, T1 डैश एंड T2 डैश, लेकिन कन्वर्ट कर लेना इसको किसमें, केल्विन्स में, केल्विन्स के बिना मत करना। क्लियर है ना यहां तक? तो छोटा टेम्परेचर T2 बड़ा टेम्परेचर T1, सॉल्व कर लेना आंसर। क्लियर है यहां तक?
सॉल्व करोगे तो बीटा फॉर ए आएगा 7.11, फर्स्ट रेफ्रिजरेटर का बीटा 7.11, सेकेंड रेफ्रिजरेटर का बीटा 5.59, जिसका बड़ा वो ज्यादा एफिशिएंट, ठीक है ना यहाँ तक, जिसका जिसकी एफिशिएंसी बड़ी होगी, सॉरी जिसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बड़ा होगा उसकी एफिशिएंसी ज्यादा, ये करना। और हाँ, इस क्वेश्चन में 2000 जूल को एक्सट्रैक्ट किया, कोई फायदा नहीं, कोई इससे पीछे वाले क्वेश्चन में जो भी हमने सॉल्व किया उसमें हीट भी गिवन थी, उसका कोई यूज नहीं है। आपको क्या मतलब है हीट कितनी भी रिजेक्ट करेगा, जब T2 T1 गिवन है, फ्रॉम देयर यू कैन कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज गिवन, एक्सट्रैक्ट्स हीट फ्रॉम कूलिंग कंपार्टमेंट एट अ रेट ऑफ 250 जूल पर साइकिल, क्या गिवन है, Q1 की Q2, हीट निकाल रहे हैं, हीट निकाल रहे हैं, निकालने का मतलब वोटिंग करवा लेते हैं। कितने लोग Q1 बोलते हैं, अरे कम बोलते हैं, दो चार, कितने लोग Q2 बोलते हैं, बाकी वोट नहीं करते Q1 है, क्यों, क्यों, दो हीट्स होती हैं Q1 Q2, ये 250 Q1 लूं कि Q2 लूं, वो अब लास्ट लेक्चर है, अगर यही बता दिया फिर तो यार अब आंसर दे दोगे, वो लास्ट लेक्चर से रिवाइज करना आपने। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था कि अगर मैं हीट इंजन की बात करता हूं, ये सोर्स है, ये सिंक है, ये इंजन है, Q1 हीट लेगा, Q2 रिजेक्ट करेगा, तो एक्सट्रैक्ट सोर्स से कितना कर रहा है T1, फैन कितना रहा है T2 में Q2, और क्या कर रहा है, वर्क डन परफॉर्म कर रहा है कितना, ठीक है। हीट इंजन के केस में ये मैंने चेंज नहीं किया था T1, ये मैंने चेंज नहीं किया T2, हाँ मैंने वर्क डन किया जरूर, और वर्क डन मैं करूंगा कितना, इस एरो को उल्टा किया था याद है, Q2 एरो को उल्टा किया था कितना, Q1, ठीक है ना। किसी भी चीज को ठंडा करना है तो कहां रखू, यहां रखू कि यहां रखू, नीचे की ऊपर, नीचे रखूंगा ऑब्वियसली, मैंने बताया था फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर, अंदर मीन जो बाहर का टेम्परेचर है हमेशा बड़ा होगा, अंदर से बंद है ना डोर उसका, तो बेसिकली क्या होगा कि टी ऑफ, यहां पर हम किसी भी पानी को या सब्सटेंस को रखेंगे, रेफ्रिजरेटर उस सब्सटेंस में से हीट निकालेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, और कहां फेंकेगा, सोर्स में, ठीक है ना यादव, कोई डाउट किसी को इसमें, तो यहां से उठाएगा यहां फेंकेगा। इंजन के केस में जब मैं बोलता हूं हीट एक्सट्रैक्ट की तो मतलब Q1, रेफ्रिजरेटर के केस में जब मैं बोलता हूं हीट एक्सट्रैक्ट की तो Q, डिफरेंस समझ आ रहा है, तो जिन्होंने Q1 बोला था वो ठीक नहीं था, आंसर Q2 है। तो यानी कि मेरे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रेफ्रिजरेटर 250 जो भी है जूल्स की हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, किस में से, सब्सटेंस में से,
ऑब्वियसली वो क्या होगा, एक्सट्रैक्ट करके बाहर फेंक रहे हैं, तो इसका मतलब क्या गिवन है, क्यू क्लियर है यहां तक? तो ये लो वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो इट मींस ये मेरे पास बीटा गिवन है, हीट फ्रॉम कूलिंग कंपार्टमेंट, कूलिंग मतलब सिंक, सिंक एट अ रेट ऑफ 250 जूल पर साइकिल, ये क्या गिवन है, क्यू टू। हाउ मच हीट पर साइकिल इज डिस्चार्ज टू अ रूम, रूम क्या हो जाएगा सोर्स एट हाई टेम्परेचर, डिस्चार्ज का मतलब क्या निकालना है, क्यू वन। तो बीटा का फॉर्मूला या तो लिखो टी टू टी वन माइनस टी टू, या फिर लिखो क्यू टू क्यू वन माइनस क्यू टू, ठीक है ना। हमने दो फॉर्मूला किए थे इसके, इस बार हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, बीच वाला नहीं यूज कर रहे। तो बीटा गिवन है, क्यू टू गिवन है, क्यू टू गिवन है, क्यू वन निकालने, तो फ्रॉम हेयर क्यू वन कैन बी पुट आउट। सिर्फ फॉर्मूला ही लगाना है, सिर्फ यही आइडेंटिफाई करना है कौन क्यू वन है और कौन क्यू टू है। आर नॉट के जो क्वेश्चन है वो इजी है, कोई कोई ऐसा कुछ नहीं है कि जो इसमें कुछ टेढ़ा हो, ठीक। नेक्स्ट देखें, तो यहां से क्यू वन निकाल लेना, आंसर आएगा 300 जूल आएगा। इसमें आउटपुट भी निकालना है क्या? ओके, एक और पार्ट है, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज स्पेंट। रेफ्रिजरेटर हमें वर्क डन देगा नहीं, हम उसके ऊपर वर्क डन करेंगे, एनर्जी स्पेंड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कितना वर्क डन करेंगे या कितनी एनर्जी देंगे, क्यू वन माइनस क्यू टू, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्यू वन मैंने आपको निकाल के दे दिया 300, क्यू टू आपको ऑलरेडी गिवन है। आंसर आप पॉइंट क्लियर है यहां तक, ये समझ आ रहा है? यू हैव टू कैलकुलेट क्यू वन माइनस क्यू टू। ये देखो, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर एज अ रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब छोटा टेम्परेचर, कम टेम्परेचर, यानी कि टी टू, इसको प्लीज कन्वर्ट कर लेना केल्विन में, एंड रूम टेम्परेचर टी वन 27 प्लस 273। कैलकुलेट एनर्जी इन जूल दैट मस्ट बी सप्लाइड टू फ्रीज 1 केजी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्या निकालना है, एनर्जी सप्लाइड क्या निकालना है, क्यू वन की क्यू टू। एनर्जी सप्लाइड जब हम रेफ्रिजरेटर को करते हैं, क्यू टू वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, क्यू वन फेंक रहे हैं, हम एनर्जी क्या कर रहे हैं, जो वर्क डन कर रहे हैं, और वर्क डन कितना कर रहे हैं, क्यू वन माइनस क्यू टू, तो क्यू वन माइनस क्यू टू निकालो, ठीक है यहां तक। तो एनर्जी सप्लाइड का मतलब यहां पर मुझे क्या करना है, क्यू वन माइनस क्यू टू, ठीक ठीक। अब मुझे एक चीज बताओ, आप रेफ्रिजरेटर के अंदर आओ, रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या करना है, रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा है, 1 केजी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस को क्या कर रहा है, फ्रीज कर रहा है,
अब अगर आप रेफ्रिजरेटर के अंदर आ जाते हो तो आप किस पोर्शन में खड़े हो, सोर्स में कि सिंक में? सिंक में खड़े हो, ठीक है ना। डायग्राम बना दो याद कराने के लिए, ये टी वन है, ये क्यू वन है, ये क्यू टू है और ये आपका टी टू है। रेफ्रिजरेटर में यहां पर चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक है ना। तो यहां पर कुछ वाटर पड़ा हुआ है, कितना कितने के जी, 1 kg वाटर पड़ा हुआ है। और कितने टेम्परेचर पे, अगर आप इसको फ्रीज करवाना चाहते हो तो इसमें से हीट को निकालना पड़ेगा। कितनी हीट निकलेगी एक्सट्रैक्ट, Q1 की Q2? Q2 अब तो दिखाई दिया कि अगर इस पानी में से हीट निकालोगे, इसका मतलब क्या निकाल रहे हो, Q2, और Q2 कितना निकालोगे, m into l, Q2 = ml। समझ आया यहां तक? तो आपने Q2 का फॉर्मूला, इसका मतलब क्या हुआ, m into l, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्यूजन, 1 into, बोलो कितनी, मैं स्पेसिफिक हीट नहीं पूछ रहा, मैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पूछ रहा हूं। 80 बताया था, 80 और 540 याद रखने, जब पूछना गिवन हो तो 80 कैलोरी पर ग्राम और 540 कैलोरी पर ग्राम। अब मास किसमें गिवन है, केजी में, तो 1000 ग्राम कर लें और लेटेंट हीट की जगह 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है ना। तो ये भी ग्राम है और ये भी किसमें चल रहा है, ग्राम, ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, तो ये क्या आ गया, Q2। पॉइंट समझ में आ रहा है, तो Q2 कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है ना। Q2 का फॉर्मूला ml ही रहता है रेफ्रिजरेटर के केस में। अब मुझे एक चीज पता है, मेरे को क्वेश्चन में एक रिलेशन पता है, T1 या T2 अपॉन T1 माइनस T2 इज इक्वल टू Q2, Q1 माइनस Q2 आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है आपको क्वेश्चन में, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, या फिर यू कैन कैलकुलेट सपोज मैंने किसकी वैल्यू निकाल दी, Q1 निकाल दिया और मुझे एंड में निकालना क्या है, वर्क डन, वर्क डन इज Q1 माइनस आंसर। पॉइंट क्लियर है यहां तक, Q2 इज ml और वहां से Q1 और फिर आंसर। क्लियर है यहां तक, हो जाएगा सॉल्व, कोई डाउट किसी को इसमें, ठीक है ना। कितना आंसर आ रहा है, ये आ रहा है 3.32 × 10⁴ जूल, जूल में। हम काम किसमें कर रहे थे अभी, कैलोरीज में, तो प्लीज उसको डिवाइड बाय 4.2 बीच में कर लेना, बस आंसर नोट कर लेना, घर जाके ट्राई कर लेना जो भी करना है, तो यहां से ही आंसर आएगा। ठीक है, ये आंसर आना चाहिए 3.32 × 10⁴। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन है, ट्राई करो एक बार क्वेश्चन, जिनका कारनॉट मिस हुआ है वो प्लीज रुके जाएंगे, अभी जाते हुए टाइम दूंगा उन्हें, कारनॉट आपको करना पड़ेगा नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। देखो, टू कारनॉट इंजन ए एंड बी आर ऑपरेटेड इन सीरीज,
First one A receives heat at 800 Kelvin and rejects to reservoir at temperature T. The second engine B receives the heat rejected by first engine. A ne reject ki, B ne receive ki wahi heat. So, and in turn reject to heat reservoir at temperature 300 Kelvin. Calculate T for the following situations. Pehli situation hai, output of the two engines are same. Aur second hai, efficiencies of two engines are same. Dekho, question hai, ki aapke paas do heat engines hai. आपके पास दो हीट इंजन हैं। पहला हीट इंजन क्या कर रहा है? फर्स्ट हीट इंजन का सोर्स 800 केल्विन पे गिवन है और सिंक टी पे गिवन है। सेकंड इंजन जो ये हीट रिजेक्ट कर रहा है, सेकंड इंजन वो एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि टी सेकंड इंजन के लिए क्या बन जाएगा सोर्स, और सेकंड इंजन के लिए जो सिंक है वो गिवन है क्वेश्चन में एट 300 केल्विन। ठीक है ना यादव, क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट इंजन है 800 एंड टी, सेकंड इंजन है टी एंड 300। फर्स्ट इंजन Q1 एक्सेप्ट करता है, Q2 रिजेक्ट करता है। सेकंड इंजन ऑब्वियसली Q2 रिजेक्ट कर रहा है, Q2 ही एक्सेप्ट कर रहा है और Q2 डैश रिजेक्ट। ये भी क्लियर है कि तो सेकंड पार्ट है आपका टू कैलकुलेट टी, आपको इसमें टी निकालना है। बी पार्ट पहले करते हैं, व्हेन एफिशिएंसीज ऑफ बोथ इंजन आर, तो एफिशिएंसी का अगर फॉर्मूला देखें तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या आ रहा है इसमें, फर्स्ट केस में एफिशिएंसी का फॉर्मूला जब आप सॉल्व करेंगे तो इसके लिए कितना आ रहा है 1 माइनस T2, T2 का मतलब T, ये T2 है और ये क्या है T1। सेकेंड इंजन के लिए एफिशिएंसी क्या है 1 माइनस T2 की जगह 300 डिवाइडेड बाय T, ये भी एफिशिएंसी है, ये भी एफिशिएंसी है। दोनों को आपने क्या कर लेना है, इक्वेट कर लेना, दोनों को इक्वेट कर लो, फाइंड टेम्परेचर। फर्स्ट पार्ट इज क्लियर, बी पार्ट तो क्लियर है। अब ए पार्ट देखो, ए पार्ट में क्या कहा गया है, आउटपुट ऑफ टू इंजन आर सेम, आउटपुट का मतलब वर्क डन आर सेम। बी पार्ट सॉल्व करते हैं, ए पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें, बी ए पार्ट क्लियर है ना पीछे, ठीक है। बी पार्ट में मुझे क्या करना है, इक्वेट वर्क डन, बी पार्ट में गिवन है वर्क डन सेम है। अब मुझे एक चीज बताओ, इसका वर्क डन क्या होगा, Q1 माइनस Q2, यही वर्क डन है ना, और नीचे वाले इंजन का क्या होगा वर्क डन, इज इक्वल टू Q2 माइनस Q2 डैश, इक्वेट कर दें, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1, ठीक है ना यहां पर आउटपुट को इक्वेट कर दिया दोनों के, क्या निकालना है, टी निकालना है ना, तो यानी कि हीट को टेम्परेचर की फॉर्म में तो लिखना ही पड़ेगा इन एनी केस, ठीक। स्टार्ट करते हैं, टेम्परेचर की फॉर्म में देखो लिखने जा रहा हूं मैं, सबसे पहले एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 माइनस इस केस में क्या बनेगा T/800 इज इक्वल टू क्या लिखें, इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस Q2/Q1, 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो T अपॉन 800 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, Q2/Q1, कोई डाउट किसी को इसमें, ठीक है यादव। उसी तरीके से सेकंड इंजन पे आ जाओ, 1 माइनस T/300 T2/T1 इज इक्वल टू 1 माइनस Q2/Q2, ठीक है ना, हीट की फॉर्म में लिख दिया, 1 से 1 फिर से कैंसिल हो गया, तो 300 बाय टी
is Q2 dash by Q2. ठीक है यहां तक कोई डाउट किसी को इसमें? ठीक, इक्वेट कर लिया। एक काम करो, ये तो इक्वल गिवन ही है, इन दोनों साइड्स को आउटपुट क्या है, वर्क डन क्या है, क्यू टू माइनस क्यू टू डैश, क्यू वन डैश तो कुछ था ही नहीं, गलती से लिखा गया। तो इसका जो आउटपुट है, इसका आउटपुट इज क्यू वन माइनस क्यू टू, इसका आउटपुट इज क्यू टू माइनस क्यू टू डैश। ठीक है ना, इन दोनों साइड्स को जो इक्वल है, इन दोनों साइड्स को डिवाइड कर लेते हैं बाय क्यू टू, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं डिवाइड करूं ऐसे हो जाएंगे, कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना। ब्रेक कर लो, Q1 माइनस Q2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 डैश डिवाइडेड बाय Q2। ठीक है ना, यहां तक कोई डाउट किसी को इसमें? समझ आ गया आंसर आ गया? ये देखो आंसर ऐसे आ गया, Q2 डैश बाय Q2 की वैल्यू तो आपको पता ही है, ये नहीं कितनी 300 बाय t, और Q1 बाय Q2 की वैल्यू यहां से आ जाएगी, इसको उल्टा कर लो 800 बाय t। ठीक है ना यहां तक, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 800 डिवाइडेड बाय t माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 300 डिवाइडेड बाय, यहां से पीस t निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। मेथड क्लियर है सबको, समझ में आ रही है बात कि कैसे किया? जो गिवन था मैंने वैसे ही कर लिया, आउटपुट वर्क डज इक्वल थे तो मैंने इक्वल कर लिया, और फिर एफिशिएंसीज के कॉन्सेप्ट को यूज करके हीट को कन्वर्ट कर लिया टेम्परेचर। ठीक है यहां तक मजा आ रहा है? ए पार्ट का सॉल्व करोगे आंसर आएगा 550 केल्विन, ए पार्ट में जो भी हम कर रहे थे इसका आंसर आएगा 550 केल्विन सॉल्व करने पे, और जो बी पार्ट एफिशिएंसी इक्वल करके किया था 489.9 केल्विन, ए पार्ट का आ रहा है 550 आ रहा है, किसी का 550 आ रहा है, आ रहा है, और बी पार्ट का आ रहा है 489.9 केल्विन। ठीक है यहां तक? लास्ट 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, इसलिए करवाना है, दूसरे बैच से आए हैं, कम से कम उतना करवा चुका हूं, बराबर हो जाएगा एकदम। लास्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे, इसके जो कॉम्पिटिशन क्वेश्चंस हैं वो इस चैप्टर के साथ इकट्ठे करवाऊंगा मैं। लास्ट जो आपका चैप्टर है ट्रांसफर ऑफ हीट है, इस चैप्टर में हम सिर्फ 3 चीजें या फिर एक ही चीज पढ़ेंगे, एक ही चीज में से मैं इसको क्लोज करता हूं, हीट कैसे ट्रांसफर हो सकती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। 3 तरीके हैं, पहला तरीका है कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन। कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन सिर्फ सॉलिड्स के लिए यूज होता है, सॉलिड की रॉड है, यहां बहुत गर्म कर दिया, अपने आप हीट हॉट से कोल्ड जो है टेम्परेचर बॉडी तक चली जाएगी। क्यों? सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, एटम टाइटली पैक्ड है, जब आप गर्म करते हो किसी चीज को एटम में थर्मल वाइब्रेशंस आ जाती हैं, बहुत ज्यादा वाइब्रेट करती हैं, तो एक एटम दूसरे एटम को वाइब्रेट करवाएगा, दूसरा तीसरे को, एंड सो ऑन। इससे क्या होगा, आपकी हीट जब तक वाइब्रेशन चलती जाएगी हीट ट्रेवल करती जाएगी, कंडक्शन। कन्वेक्शन जो है पानी को गर्म करना, लिक्विड को या फिर गैसेस को, कन्वेक्शन। ऐसे गैस के ऊपर कंटेनर रखो पानी का, उसको गर्म करो, पहले नीचे के मॉलिक्यूल्स गर्म होंगे, गर्म होने की वजह से वो लाइटर हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, हल्के होंगे तो वो ऊपर आ जाएंगे, हैवी पार्टिकल नीचे आ जाएंगे, फिर वो गर्म होंगे, हल्के होंगे, ऊपर आ जाएंगे, जब तक सारे गर्म नहीं हो जाते, ये साइकिल चलता रहेगा, क्योंकि जो गर्म होके ऊपर चले गए, ठंडे नीचे आ गए, ठंडे फिर गर्म हो गए, ऊपर चले, ऊपर वाले फिर ठंडे हो गए, ये साइकिल चलता रहेगा। विंड्स भी ऐसे चलती है, हवा ऐसे चलती है, क्योंकि जो अर्थ गर्म होती है किसी जगह पर तो उसके साथ जो एयर है वो गर्म हो जाती है, गर्म हवा हल्की होती है ऊपर चली जाएगी, ठंडी हवा उसकी जगह रिप्लेसमेंट लेगी, तो कन्वेक्शनल विंड्स हैं, तो इस प्रोसेस को कन्वेक्शन बोलते हैं। और लास्ट है रेडिएशन,
اس میں مجھے ایٹم یا مولیکیولز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ریڈیشن میں ویوز کی فارم میں یا ریڈیشن کی فارم میں آپ کی انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے. تو جب ویوز ٹریول کرتی ہیں, مان لو جیسے فار بیسٹ ایگزامپل ہے سن لائٹ, سن اور یہاں پر کوئی بیچ میں ویکیوم نہیں, کوئی میڈیم نہیں ہے, کوئی سالڈ نہیں, کوئی لیکوڈ نہیں, کچھ نہیں ہے, پھر بھی آپ کی انرجی یہاں پر آ رہی ہے. تو دیٹ از این ایگزامپل آف ریڈیشن. گرم باڈی رکھ دو, بہت گرم باڈی ہے, ٹھنڈی ہو رہی ہے, اب دور سے ہی سیک آئے گا تو کیا ہو رہا ہے اس میں, کوئی کنڈکشن ہوا تو نہیں چل رہی, کچھ بھی نہیں ہے, پھر بھی سیک آتا ہے. سیک کیوں؟ کیونکہ گرم باڈی ہمیشہ ایمٹ کرتی ہے کچھ ریڈیشن. تو بیسیکلی ان کو ہم ریڈیشن بولتے ہیں. تو تین طریقے ہیں آپ کے اس پورے چیپٹر میں, صرف دو طریقوں پہ بہت فوکس دیا گیا ہے, ایک پہلے والا کنڈکشن اور ایک لاسٹ والا ریڈیشن. کنویکشن میں زیادہ کچھ نہیں بتایا گیا. تو کنڈکشن کے اندر ایک صرف ایک ٹاپک ہے. سپوز کرو کہ یہ آپ کے پاس ایک سالڈ باڈی ہے, ایک کیوب ہے لیٹ سے. تو آپ نے, اور مان لو یہ اس کا کراس سیکشنل ایریا ہے اے, سالڈ ہے, اندر سے خالی نہیں, کیونکہ ہم کیا کر رہے ہیں, کنڈکشن کر رہے ہیں, ہم کنڈکشن کی بات کر رہے ہیں پہلے. اور کراس سیکشنل ایریا لیٹ سے اے ہے. میں سپوز یہاں کا ٹیمپریچر ٹی ون کرتا ہوں, یہاں کا ٹیمپریچر ٹی ٹو کرتا ہوں. تو لیٹ سے یہاں کا ٹیمپریچر ہائی ہے, یہاں کا لو ہے, تو ٹیمپریچر ڈفرینس کتنا ہے, ٹی ون مائنس ٹی ٹو. تو رول یہ ہے, ایکسپیریمنٹل فارمولا بنانے جا رہے ہیں کہ کتنی ہیٹ ٹرانسفر ہو رہی ہے ایک فیز سے دوسری فیز پہ کنڈکشن کی ہیلپ سے, وہ ڈیپینڈ کرے گا ان کے ٹیمپریچر ڈفرینس. جتنا ہائی ٹیمپریچر ڈفرینس ہوگا اتنی ہی زیادہ ہیٹ ٹریول کرے گی. وہ ڈیپینڈ کرے گا کتنے ٹائم کے لیے آپ نے ہیٹ کو ٹریول کروایا. ٹائم زیادہ ہوگا تو اس کیس میں ہیٹ بھی زیادہ ٹریول کرے گی. نیکسٹ وہ ڈیپینڈ کرے گا ایریا آف کراس سیکشن پہ. اگر مان لو یہ پین ہے, اس کا ایریا بہت چھوٹا ہے کونے کا, تو کم ہیٹ ٹریول کروا پاؤ گے. اگر مان لو یہ دیوار ہے, پوری سالڈ 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 روم ہے, تو ایریا بڑا ہے, وہاں سے ہیٹ زیادہ پروڈیوس کرو تو یہاں سے زیادہ ہیٹ کین بی ٹرانسفرڈ. تو یعنی کہ اٹ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ایریا آف کراس سیکشن, اور انورسلی پروپورشنل ٹو ڈسٹینس ڈی. ڈسٹینس ڈی ڈی بٹوین دیم. کیسے؟ یہ ایک پین ہے, مان لو 15 سینٹی میٹر لمبا پین ہے, اور مان لو ایک اور پین یا ایک روڈ لیتے ہیں جو ایک کلو میٹر لمبی روڈ ہے. اب فار اے گیون ٹائم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, ایک گھنٹے کے لیے ہیٹ ٹریول کروانی ہے, تو ایک یا مان لو ایک سیکنڈ کے لیے کروانی ہے, چلو ٹائم ٹیکن چھوٹا لے لیتے ہیں, ایک سیکنڈ. ایک سیکنڈ میں یہاں پر ہیٹ پاس کرو ایک کلو میٹر لمبے پین میں یا روڈ میں پاس کرو, پہنچے گی نہیں وہاں پہ. تو کیوں؟ کیونکہ اس کی لینتھ بہت زیادہ ہے. اس کا مطلب فار اے گیون ٹائم, میں بار بار کہہ رہا ہوں فار اے گیون ٹائم, اگر آپ اس کو 10 گھنٹے کے لیے گرم کرو گے تو ہو سکتا ہے ہیٹ ٹرانسفر کر بھی جائے. For a given time, heat is inversely proportional to distance between two faces. Clear ہے یہاں تک؟ ان سب کو اکٹھا کر لو. Q is proportional to temperature difference, time, area and distance between them. ایک چیز رہ گئی, کیا؟ گڈ کنڈکٹر یا بیڈ کنڈکٹر. مان لو دو روڈ میں, ایک لکڑ کی بنی ہوئی ہے اور ایک لوہے کی بنی ہوئی ہے. اب آپ ایریا بھی سیم لو, ٹائم بھی سیم لو, ٹیمپریچر ڈفرینس بھی مینٹین کر دو, تو وڈ میں یا پلاسٹک میں ہیٹ ٹریول کرنے والی ہے نہیں, چاہے سارے ڈائمینشن سیم ہے, لیکن روڈ میں کرے گی. اس کا مطلب کیا ہے کہ مٹیریل پہ ڈیپینڈ کرے گا, کوئی زیادہ ہیٹ ٹرانسفر کروائے گا, کوئی کروائے گا ہی نہیں, اور کوئی کم کروائے گا. تو اس لیے یہاں پر ایک کانسٹینٹ آتا ہے, کانسٹینٹ ٹی ون مائنس ٹی ٹو انٹو ٹی انٹو اے اپون ڈی. اس کانسٹینٹ کو کے بولتے ہیں, کوفیشینٹ آف تھرمل کنڈکٹیویٹی. ٹھیک, اور یہ بتاتا ہے کہ آپ کا مٹیریل از اے گڈ کنڈکٹر اور بیڈ کنڈکٹر. جتنا کے ہائی ہوگا اتنی ہی ہیٹ آگے. یہاں تک کلیئر ہے؟ ٹھیک, تو یہ چیپٹر نیکسٹ ٹائم ختم ہو جائے گا, بہت چھوٹا چیپٹر ہے, اس کے پھر نمبر دیکھتے ہیں.